1998 की फिल्म आर्मागेडन और इसके अलावा 2018 में रिलीज हुई भारतीय फिल्म टिक 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 में दिखाया गया है कि धरती की ओर बढ़ रहा एक एस्ट्रॉयड जो धरती पर संपूर्ण जीवन को समाप्त कर सकती थी, उसे एक मानव मिशन के जरिए किस प्रकार से उसके मार्ग को बदलकर धरती को बड़ी तबाही से बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब एक काल्पनिक फिल्म थी जिसे सालों पहले बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ऐसे ही एक मिशन को वास्तविक रूप देने जा रही है। इस मिशन का नाम डार्ट मिशन है। इसमें डार्ट का मतलब डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है। यह धरती की तरफ आ रहे एस्ट्रॉयड का रास्ता बदलने के लिए एक प्लेनेटरी डिफेंस मिशन है। यह मिशन धरती पर मौजूद सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस मिशन को समझते हैं। मंगल और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच करोड़ों एस्ट्रॉयड सन का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से कई एस्ट्रॉयड मंगल के प्रभाव में आकर धरती की तरफ आने लगता है। छोटे आकार वाले एस्ट्रॉयड जब धरती को वायुमंडल में पहुंचता है तो वहीं पर जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन थोड़े बड़े आकार वाले एस्ट्रॉयड धरती की सतह से टकरा जाते हैं जिससे बहुत सारे जान माल और संपत्ति का नुकसान होता है। कुछ एस्ट्रॉयड आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये धरती की सतह से टकरा कर संपूर्ण जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के बड़े एस्ट्रॉयड का धरती से टक्कर पहले कई बार हो चुका है और इसके कारण कई जीवों की प्रजातियां इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। धरती पर इस वक्त इंसानों का राज है। निकट भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसलिए इंसानों को कोई उपाय खोजने की जरूरत थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा डार्ट मिशन के द्वारा इस समस्या का समाधान खोजने के काफी करीब पहुँच चुका है। 24 नवंबर 2021 स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा डार्ट स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। करीब 10 महीने की लंबी इंटरप्लेनेटरी यात्रा के बाद यह अपने टारगेट के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसका टारगेट 160 मीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड डिमॉर्फस है। यह छोटा सा मूनलेट एस्ट्रॉयड है जो अपने से बड़े 780 मीटर डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड डिडिमोस का चक्कर लगा रहा है। डिमॉर्फस की तुलना धरती पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से और डिडिमोस की तुलना धरती का सबसे बड़ा इमारत बुर्ज खलीफा से किया जा सकता है। 26 सितंबर 2022 को डार्ट स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड डिमॉर्फस को हिट करेगा। इसके बाद एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट का डायरेक्शन थोड़ा बदल जाएगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि अगर भविष्य में कोई बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा होगा तो एक मानव मिशन के जरिए उसके डायरेक्शन को किस प्रकार से बदला जाएगा जिससे धरती को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। इस टक्कर के समय इस एस्ट्रॉयड की धरती से दूरी करीब 1.1 करोड़ किलोमीटर होगी। धरती पर मौजूद कई टेलीस्कोप के जरिए इस घटना के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा इटली में बना एक प्रोब जिसका नाम लिसिया क्यूब है इसके टक्कर के तस्वीर को कैप्चर करेगा। नासा इस एक्सपेरिमेंट को करने में अगर कामयाब रहता है तो यह मिशन किसी एस्ट्रॉयड से धरती को बचाने के लिए अपनी तरह का पहला मिशन होगा। इसलिए इस प्रकार के मिशन को प्लेनेटरी डिफेंस मिशन कहा जाता है।